हाय दोस्तों, कैसे हो सर। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु धीरेंद्र सिन्हा, आज मैं अदानी ग्रैंड ओएस्टर में आया हूँ। 14 फ्लोर है, फ्लैट नंबर H1401 एंड साइज 3200 स्क्वायर फीट का, 4+ सर्वेंट। ये आपका मेन एंट्री है। एक्चुअल फ्लैट है जिसमें बिल्डर जो जो करा के आपको देता है वो सारी चीज़ इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा बिल्डर आपको कुछ भी नहीं देता है। जिसे फर्स्ट बाथरूम, ड्राइंग डाइनिंग, एसी आपके लगा फिटेड मिलता है। 3200 समथिंग साइज है। इसमें आप फुल सनलाइट आ रही है इवनिंग की। ये आपका बड़ी बालकनी हो गई। ये आपके बालकनी से बाहर आप व्यू, सामने आपका स्कूल है, DPS स्कूल है। ये आपका व्यू है सामने अदानी का। ये सेकंड फर्स्ट पार्ट है जिसमें 3+ सर्वेंट के साइज होते हैं, 1689 1889। ये आपको सामने जो टावर दिख रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा साइज 4500। ये किचन है। किचन में बिल्डर यहाँ पे आपको सब कुछ करा के देता है। किचन का साइज काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा साइज आप देख सकते हो। किचन में आपको सारा ये काम करके मिलता है। बेसिक्स काम है जैसे कि आपको वुडन फ्लोरिंग्स ये सारे देख रहे हैं। किचन के साथ ये बालकनी है एंड ये सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम उधर से एंट्री है। अब आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट रूम। फर्स्ट रूम में फ्लोरिंग किया हुआ है, टाइल फ्लोरिंग है, एसी फिटेड है एंड बाथरूम। इसमें भी आपको फुल सनलाइट लाइट आ रही है। एंड सेकेंड रूम की ये बाथरूम एंट्री के साथ ही है। बाथरूम में ये सारे फिटेड होते हैं, एसी फिटेड है आपका, इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच है। बालकनी का व्यू काफ़ी बेस्ट व्यू है। क्रॉस वेंटिलेशन, ये मिडिल फ्लोर है तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी आती है। लोअर फ्लोर में प्रॉब्लम होती है तो क्रॉस वेंटिलेशन और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज सेकेंड रूम, थर्ड रूम में आपको एसी फिटेड है, विंडो है एंड इसमें बालकनी नहीं है। एंड दिस इज मास्टर बेडरूम, काफ़ी लार्ज बड़ा साइज है, एसी फिटेड होते हैं। इसके बाद ड्रेसिंग एरिया भी इसमें मिलता है। ये ड्रेसिंग एरिया हो गया आपका। ये बाथरूम अटैच, बाथरूम में आपको फिटेड है। ये आप कवर्ड या अलमारी वगैरह का स्पेस दिया हुआ है। ये आपका स्पेस है विन, इसमें वुडन फ्लोरिंग करके बिल्डर आपको देता है। इसके साथ बालकनी अटैच है, इसका भी सेम व्यू है, काफ़ी बड़ा बालकनी है। इसके अंदर धूप आपको सामने आता है। ये टावर है अदानी का और ये आप ऊपर से देखो, ये इसका क्लब हाउस है। सामने एक छोटा स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस, काफ़ी अच्छा क्लब हाउस बना हुआ है। इसके अंदर सारी फैसिलिटी के अंतर्गत बना हुआ है। सामने आपका बिगेस्ट टावर जो बताया था 4500 का एंड फर्स्ट पार्ट अदानी का 1689 1889 एंड 2589 का साइज उस साइड में है फर्स्ट फेज का। एंड हम आज के तेज में सेकेंड फेज में, ये सामने स्कूल है, एक स्कूल वो सामने आपको दिख रहा होगा। एंड ये 75 मीटर वाली रोड सीधा जाती है जो द्वारका और गुड़गांव की तरफ आपको होती है। वुडन फ्लोरिंग है,
और कंपनीज का प्राइस आपको जो आस्किंग करती है इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं कह सकते, पर 2 करोड़ 25 लाख के समथिंग इसकी आस्किंग करते हैं, नेगोशिएबल है। ये कंपनी का प्राइस है, कंपनी आपको ये प्राइस बताती है, बाकी इसमें कंपनी आपको अच्छी डिस्काउंट देती है। रीसेल में जाते हैं तो रीसेल में आपको मिलता है 2+ में। रीसेल होता है जो जो ओनर ने पोजीशन ले लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया, वो बेचना चाह रहे हैं तो वो आपको 2 CR में मिलता है। कंपनी यहाँ पे 225 की आस्किंग करती है। दिस इज एक्चुअल फ्लैट जिसमें बिल्डर जो जो काम करा के दिया है वो आपने देखा है। एंड हम अब वापस जा रहे हैं, एंड आपसे बस रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियो के लिए आप मोर ऑप्शन के लिए जैसे अदानी हो गए या पूरे द्वारका एक्सप्रेस से हर फ्लैटों की आपको बेस्ट बेस्ट आप डिस्प्ले किया जाएगा और एक्सप्लेन भी किया जाएगा, साइज बताया जाएगा, प्राइस बताया जाएगा, फ्लोर बताया जाएगा, क्या अच्छा है, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इस सेक्टर का बेहतर क्या है, आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है, कितना इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी, ये सारी चीज़ डिटेल जानने के लिए प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। धीरेंद्र सिन्हा, थैंक यू।